सभी पुरस्कार विजेताओं को ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अगली कैटेगरी है सैनिटेशन, अर्बन एनवायरनमेंट और वाटर। इन तीनों श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है देवी सज्जनों हमारा मेजबान शहर इंदौर को। और मध्य प्रदेश के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि अगली कैटेगरी है इकोनॉमी कैटेगरी। पहला स्थान हासिल किया है जबलपुर ने। कोविड इनोवेशन कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है सूरत शहर को। ये सभी शहर अपने आप में एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं और इनके कारण लोगों के उनके नागरिकों के जीवन में एक सुगमता आई है, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लिविंग प्रदान कर रही है। सोशल एस्पेक्ट की कैटेगरी में अब पहले स्थान पर सम्मानित किया जाता है वडोदरा को। वडोदरा की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जोनल सिटी अवार्ड्स। देश के 100 शहरों को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया था और इन शहरों को उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए अब पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। हर जोन में 2 शहरों को सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले ईस्ट जोन में उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जाता है भुवनेश्वर और रांची। सबसे पहले भुवनेश्वर की टीम को आप सभी की तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित करते हैं। शुभकामनाओं के साथ उनका पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रपति जी द्वारा, एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र। और इस जोन में ही अगले सम्मानित शहर रांची। रांची की टीम हमारे साथ मंच पर इस जोन में उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस जोन से नॉर्थ जोन में ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जाता है उदयपुर और वाराणसी शहरों को। सबसे पहले उदयपुर की टीम हमारे साथ मंच पर। सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि आज देश की प्रथम नागरिक माय पीपल्स प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और नॉर्थ जोन में ही अगली टीम अगला शहर वाराणसी। और अब नॉर्थ जोन से साउथ जोन की तरफ ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जाता है बेलगांव और कोयंबटूर को। सबसे पहले बेलगांव की टीम हमारे साथ मंच पर। ये जोनल सिटी पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको बताया गया 100 शहरों को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया। ये साउथ जोन की टीम, साउथ जोन से बेलगांव। और अब कोयंबटूर की टीम को आप सभी की तालियों के बीच यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करते हैं, सम्मानित किया जा रहा है।
और अब वेस्ट जोन में उनके परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जाता है अहमदाबाद और सोलापुर को। सबसे पहले अहमदाबाद की टीम हमारे साथ मंच पर पुरस्कार ग्रहण करते हुए। और वेस्ट जोन में ही अब सोलापुर की टीम हमारे साथ मंच पर, उन्हें उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। और पांचवा जोन है नॉर्थ ईस्ट जोन, इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जाता है कोहिमा और नामची को। सबसे पहले कोहिमा की टीम यहां पर पुरस्कार ग्रहण करते हुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं कोहिमा की टीम को और अगली टीम नामची, ये भी नॉर्थ ईस्ट जोन से। इन्हें इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, एक प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। और जोनल पुरस्कारों के बाद अब राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार। देश के 100 शहरों में 3 शहरों के कार्य सर्वोत्तम रहे हैं। इन 3 शहरों ने स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत चिन्हित अपने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जिसके कारण लोगों के जीवन में अधिक सुगमता आई है। इन तीनों शहरों को नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड से अब सम्मानित किया जाएगा। तो सबसे पहले नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में 3रा स्थान हासिल किया है आगरा शहर ने। At the third position, ladies and gentlemen, Agra being conferred the National Smart City Award. और अब दूसरे स्थान पर सम्मानित किया जाता है सूरत शहर को। बहुत ही उत्साहित टीम हमारे साथ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में सेकंड प्राइज सूरत शहर को। और दिव्य सज्जनों, अब आप सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये शहर झंडे के ऊपर झंडे गाड़ रहा है। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में फर्स्ट प्राइज मिलता है इंदौर शहर को। देवी सज्जनों, आप इंदौर में हैं तो मुस्कुराइए और एक बार फिर से तालियों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं इंदौर वासियों को। और अब सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ की टीम हमारे साथ मंच पर, सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पहला पुरस्कार फर्स्ट प्राइज प्रदान किया जाता है उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए चंडीगढ़ को। और अब बेस्ट स्टेट अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार, और इसमें 3रे स्थान पर है, यहाँ पर टाई है, 2 शहरों को 2 राज्यों को एक साथ सम्मानित किया जाता है। सबसे पहले राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान की टीम को मंच पर आमंत्रित करते हैं, ये 2 जॉइंट विनर्स हैं इसमें। 3रे स्थान पर बेस्ट स्टेट अवार्ड
राजस्थान और उत्तर प्रदेश को, राजस्थान की टीम हमारे साथ मंच पर इस पुरस्कार को ग्रहण करते हुए। और अब जॉइंट विनर उत्तर प्रदेश की टीम को आप सभी की तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित करते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की टीम अब मंच पर। और अब बेस्ट स्टेट कैटेगरी में सेकंड प्राइज से नवाजा जाता है तमिलनाडु को। और देवी सज्जनों, अब बेस्ट स्टेट कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है नंबर वन स्टेट ऑफ इंडिया देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है मध्य प्रदेश को। बहुत बहुत शुभकामनाएं माननीय राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री जी को, 7.5 करोड़ की जनता को, यहाँ पर सभी मध्य प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, सभी पुरस्कार विजेताओं को, और माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद इन पुरस्कारों को प्रदान कर सभी को प्रोत्साहित करने का, उनका मनोबल बढ़ाने का। और देवी सज्जनों, इन पुरस्कारों के बाद अब हम सभी इच्छुक हैं हमारे माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए, जिन्होंने हमारे देश में शहरी विकास और आवास के परिदृश्य को आकार दिया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं निवेदन करती हूं हमारे आवास व शहरी कार्यों के केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी को, उनसे निवेदन है उनके कीनोट एड्रेस के लिए। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय राज्यपाल श्री गंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री और मेरे साथी श्री कौशल किशोर जी, मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री तुलसी सिलावत जी, श्रीमती उषा ठाकुर जी, इंदौर के मेयर श्री भार्गव जी, मेरे मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी जी, मेयर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और स्मार्ट सिटी के सीईओज, आज इस कॉन्क्लेव में भाग ले रहे हैं सभी डिग्नेटरीज, एकेडमिशियंस और प्रैक्टिशनर्स का मैं स्वागत करता हूं, और आज के जो विनर्स हैं अवार्ड्स के उनको बधाई देता हूं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज स्मार्ट सिटीज मिशन के बेहतरीन इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए आयोजित किए जा रहे इस इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स कॉन्फ्रेंस के लिए यहां पर उपस्थित हूं। तो स्मार्ट सिटीज मिशन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के न्यू अर्बन इंडिया के विजन का प्रतीक है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने में स्मार्ट सिटीज मिशन की एक अहम भूमिका है। स्मार्ट सिटीज मिशन ने भारत के 100-100 सबसे बड़े शहरों में कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और सर्विसेज को मजबूत करने हुए भारत के अर्बन इकोसिस्टम में इनोवेशन को नई गति दी है। मिशन ने सरकार, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनर सिटीज, एकेडमी और बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया है। मैंने आज तक किसी सरकारी कार्यक्रम को इस गति से इंप्लीमेंट होते नहीं देखा।
महामारी के बावजूद मिशन के तहत एक्सपेंडिचर जो 2018 में सिर्फ 1,000 करोड़ था, उसके बाद कर आज 1,10,000 करोड़ हो गया है। ये बेहद गर्व की बात है और मैं इस संभव बनाने के लिए स्मार्ट सिटीज का आभारी हूं। फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट स्पीक हिंदी और आर नॉट एज फेमिलियर, आई वॉन्ट टू टेल यू द फिगर्स आर माइंड बॉगलिंग। टूडे 7,934 प्रोजेक्ट सैंक्शन एट अ कॉस्ट ऑफ रूपीज 1.71 लाख करोड़, 6,069 projects worth rupees 1.10 lakh crores have been completed, another 1,865 projects worth rupees 60,250 crores on target for completion by June 2024, close to rupees 25,000 crore worth of PPP projects have been delivered, more than 2,700 kilometers of smart roads have been constructed, close to 7,000 smart classrooms have been built, more than 7,500 new buses, usme se 2,000 electric buses have been deployed, more than 50 lakh LED and solar lights have been installed, over 100 MW of solar power generated through missions projects, more than 300 smart health centers constructed, 1,884 emergency call boxes and 3,000 public address systems and traffic enforcement systems have been installed, 1,300 public spaces created, including restoring many heritage monuments. Here in Indore, we have Chappan Dukan, the pride of the city. It is very popular space that was transformed under the mission. Indore ne keval Bharat, balki duniya bhar mein shahron ke liye urban governance aur civic participation ka ek model ban chuka hai. Indore ne vishesh roop se waste management, कार्बन क्रेडिट्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी और पब्लिक ओपन स्पेस। तो सीधी तस्वीर